वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मार्च के 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए। इस वीडियो में 200 से भी ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए गए। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को देख के आपका नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, वो मैं गारंटी के साथ देता हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे पूरे 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और यहाँ पे एक अच्छा एक थॉट लेके आया, इस थॉट के साथ ये पूरा वीडियो देखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो जिंदगी में कुछ पाने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की जाए तो मंजिल मिल ही जाती है। तो आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको जरूर फल मिलेगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के चितेसु वतनबे का कितने साल की आयु में निधन हो गया है हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 112। तो ब्रिटेन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बॉब वेटन जो 111 वर्ष के है, तो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। तो दुनिया के अब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गए, तो बॉब वेटन। तो किस देश से, ब्रिटेन के, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नास्कॉम और किसने भारतीय स्कूलों के छात्रों के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है नीति आयोग। तो यहाँ नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन, अभिषेक सिंह को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन भी वेनेजुएला। तो अभिषेक सिंह को हाल ही में वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप वेनेजुएला की कैपिटल कराकस है, वेनेजुएला के वर्तमान प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और जुआन डुआंडो है और वेनेजुएला की करेंसी है पेट्रो। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस सेवा कहाँ शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन भी कोची। तो भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस सेवा कोची में शुरू की गई थी केरला में। तो हाल ही में भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक इंटरसिटी बस सेवा पुणे में शुरू की गई है नितिन गडकरी द्वारा, कोची केरला में, केरला के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर सबसे आगे है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बेंगलुरु। डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु सबसे आगे है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो कर्नाटका के वर्तमान मुख्यमंत्री है YS येदुरप्पा है। अगला क्वेश्चन, बीमारी के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 29 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व दुर्लभ रोग दिवस। तो इसका थीम है रिफ्रेम रेयर फॉर रेड डिजीज डे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी मराठी। तो हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है और मराठी भाषा विश्व में 10वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन, मिशन पूर्वोदय के तहत उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए भारत और कौन सा देश साथ मिलकर कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है जापान। तो जापान की कैपिटल टोक्यो और जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा बिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए ईस्टर्न जोन जोनल काउंसिल की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी भुवनेश्वर। तो उड़ीसा बिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं, तो इसकी बैठक का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा, अमित शाह इसका अध्यक्षता करेंगे। और यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, भुवनेश्वर के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत।
इंपोर्टेंट याद रख। अगला क्वेश्चन है, किसने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से काचिंग नाम से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, इंडिगो एयरलाइन ने अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, लार्सन एंड टूब्रो शिप निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित अपतटीय गश्ती पोत, अपतटीय गश्ती पोत मतलब ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS वरद को कहां कमीशन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, चेन्नई में कमीशन किया गया है, और ICGS वज्र को भी चेन्नई में कमीशन किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, बिहार। तो हाल ही में बिहार राज्य ने जाति आधारित जनगणना करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों को का आंकड़ा पार किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार किया है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड को जोड़ने की परियोजना पर काम कर रहा है, तो जो म्यांमार और थाईलैंड से किस देश तक है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, भारत। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की प्रथम वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई है, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन, ओडिशा में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पंजाब विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है, और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय दूसरे स्थान, पहले सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पहले स्थान पर था, बाद में पंजाब विश्वविद्यालय आखिर में चैंपियन रहा था। अगला, कौन से देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पिटन भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स हाल ही में भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है जैसे कि जेसिंडा आर्डन। अगला क्वेश्चन, 7वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का कहाँ खेला गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन भी, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है 7वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। इसमें भारत की तरफ से कप्तान आगेवानी हरमनप्रीत कौर ने की थी। यहाँ पे ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC के वर्तमान CEO मनु सहनी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर स्कॉच मॉरिसन है, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ से मान्यता प्राप्त शॉटगन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन भी, साइप्रस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है, और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। यहाँ पे उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ है। सारे राज्य के मुख्यमंत्री आपको याद रहे, मैं इस वीडियो में सारे राज्य के मुख्यमंत्री आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट 2019-20 में कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य प्रथम पायदान है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे आउट 2019-20 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट UPI द्वारा हुआ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, यहाँ पे भाजपा की सरकार है। अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन भी, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश के वर्तमान प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है, और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और बांग्लादेश की करेंसी टका है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है बनी है? तो इस क्वेश्चन का हीथर नाइट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, म्यांमार। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे विन मिंट, तो तब ये समझौता किया गया था।
अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में घोषणा की थी, इसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये असम से, असम राज्य के है। और जादव पायेंग की बात, उनको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अगला, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MLA LAD फंड को 3 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पे MLA LAD फंड, तो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड ऑफ MLS। अगला क्वेश्चन, WCPS द्वारा विश्व उत्पादक का कांग्रेस 2020 के 19वें संस्करण का आयोजन 45 साल के अंतराल के बाद 6 मई से 8 मई 2020 तक कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु में किया जाएगा। वर्ल्ड कॉन्फ्रेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस विश्व उत्पादकता विज्ञान परिसंघ द्वारा। अगला, दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले गैर शाही शासक पॉल बिया है, याद रख रहा है तो पॉल बिया है, तो उनकी पार्टी RDPC है। तो पॉल बिया ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर कैमरून देश की चुनाव में जीत हासिल की है। तो कैमरून एक अफ्रीकी देश है, कैमरून पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के नेता है पॉल बिया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपये है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल योजना का भी शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 1 मार्च को हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। तो इसका थीम है महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव, तो थीम जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अगला, किसने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों को COVID-19 कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए $4 मिलियन आवंटित किए हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में $4 मिलियन आवंटित किए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन, देश के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नागपुर। तो महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, मुहियुद्दीन यासीन किस देश के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी मलेशिया। तो मुहियुद्दीन यासीन हाल ही में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी विश्वविद्यालय चैंपियन रही है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है पंजाब विश्वविद्यालय चैंपियन रही है। अगला क्वेश्चन, टोक्यो मैराथन 2020 में इथियोपिया के बीरहनु लैंगसे ने पुरुष वर्ग तथा किस देश की लोनाहा चेमतई सेल्पेडर, इनका नाम याद रखना है, ने महिला वर्ग में दौड़ जीती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर इसराइल की लोनाहा चेमतई सेल्पेडर ने हाल ही में महिला वर्ग में दौड़ जीती है टोक्यो मैराथन 2020 में। और पुरुष वर्ग में इथियोपिया के बेरहनु लैंगसे ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। अगला, मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 डेस खालजिगिया ने पुरुष एकल वर्ग तथा इथर वाटसन ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल ने हाल ही मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता, उनका 85वां ये खिताब है। और हीथर वाटसन ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में। यह बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 किस देश के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो नोवाक जोकोविच कहाँ से? सर्बिया से। तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी
ओम बिरला। तो हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषित माँ अभियान ओम बिरला ने लॉन्च किया। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। तो राजस्थान की बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अगला क्वेश्चन, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती कब मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 29 फरवरी को भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जन्म जयंती मनाई गई है। तो मोरारजी देसाई की बात करें तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं और देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, नाणा मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कहाँ रेल यात्री और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आसनसोल। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल ने हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। तो आसनसोल पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और हमारे भारतीय रेलवे के वर्तमान रेलवे के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेंस का हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, कोंकणी भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेंस का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। तो पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश किया है। तो पंजाब के वर्तमान मुख्य कैप्टन अमरिंदर सिंह है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अगला क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाए, 162 करोड़ रुपये मंजूर किया हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हमारे हरसिमरत कौर बादल है, इनका नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, किस शहर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का पुनः नया नामकरण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है हाल ही में? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यालय, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल के सुझाव से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 111 वर्ष की उम्र में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का तो ब्रिटेन के बॉब वेटन विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। तो हाल ही में चितेसु वतनबे जो जापान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया इसलिए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस एयरपोर्ट ने एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को लॉन्च किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सिस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, पुनीता शर्मा। तो पुनीता शर्मा को हाल ही में एक्सिस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ उपन्यास कुसुम बेल का अंग्रेजी अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सुशांत डेनियल। तो सुशांत डेनियल को हाल ही में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो क्यों सम्मानित किया गया था उनको? कन्नड़ उपन्यास कुसुम बेल का अंग्रेजी अनुवाद के लिए। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? क्वेश्चन का उत्तर L&T लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण भारत में दक्षिण कोरिया और किस देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बर्खास्त कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है जापान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। राज्य में हाल ही में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ है। अगला क्वेश्चन, सुमंत कटपालिया किस बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है इंडस इंड बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हाल ही में सुमंत कटपालिया, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सदाक्षरी सेंटर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन भी एक इतिहासकार थे सदाक्षरी सेंटर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के CEO मैट लेवाटिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हार्ले डेविडसन। तो हाल ही में हार्ले डेविडसन के सीईओ मैट लेवांटिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी असम। तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। तो हाल ही में उन्हें श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला, मुंबई शहर को कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है फर्स्ट मई, 1 मई। तो मुंबई को प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की गई है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 3 मार्च। हाल विश्व वन्य जीव मनाया गया हाल ही में, तो इसका थीम याद रखना है सब सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस 2020 का थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। और 3 मार्च को विश्व सुनवाई दिवस भी मनाया गया, वर्ल्ड हियरिंग डे। इसका थीम है हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सजित प्रेमदास के नेतृत्व में यूनाइटेड पीपल्स फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की गई है हाल ही में? तो यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोटे है। श्रीलंका के वर्तमान प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे और वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपया है। अगला क्वेश्चन, FIH रैंकिंग भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस पायदान पर रही है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 4th पायदान पर रही है FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम। तो शीर्ष स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर हॉलैंड है। तो यहाँ पे FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NADA नाडा ने किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी सुमित सांगवान। तो हाल ही में नाडा ने सुमित सांगवान पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है। यहाँ पे नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। तो हमारे वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री है किरण रिजिजू है, तो इसके केंद्रीय मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राष्ट्रीय अभ्यारण को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण को हाल ही में भारत सरकार इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन से उत्सव का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी इकम उत्सव का आयोजन किया, दिव्यांग शिल्पकारों को और उद्यमियों को के उत्पादों को बढ़ा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की तेज धावक दूती चंद ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने स्वर्ण पदक जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 2 स्वर्ण पदक, 100 मीटर दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और किस विश्वविद्यालय ने रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में मार्शल ऑफ एयर फोर्स अर्जेंसी चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने। तो यहाँ पे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, आदर्श वाक्य नभस परसम दीप्तम। भारतीय वायुसेना के वर्तमान चीफ एयर मार्शल है RK भदौरिया, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वर्तमान भारतीय वायुसेना के सेनाध्यक्ष है और उप सेनाध्यक्ष हरजीत सिंह है। अगला क्वेश्चन, किस देश में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को अपने यात्रियों को इन फ्लाइट वाईफाई सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी भारत। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थलों को नामित किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 2 स्थलों को नामित किया है, इसमें एक धोलावीरा जो गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है, इसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर है, और दूसरा है दक्कन सल्तनत के स्मारक किले, इसमें 5 राज्य शामिल है, तो बिदर का किला, बीजापुर स्मारक, गोलकंडा किला और गुलबर्गा किला है। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है जिन्होंने
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक है। तो इस बिल का उद्देश्य संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना है। तो यह विश्वविद्यालय है संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, ये नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर से सिटी चौक और सर्कुलर चौक का नाम भारत माता चौक और अटल जी चौक कर दिया है, किस शहर के? तो इस क्वेश्चन का उधर ऑप्शन भी जम्मू, जम्मू शहर के सिटी चौक और सर्कुलर चौक का नाम भारत माता और चौक और अटल जी चौक कर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, श्रम मंत्री संतोष गंगावर ने डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए हम सफर मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया हाल ही में फ्यूल हम सफर मोबाइल ऐप, इसमें घर बैठे आप ऑर्डर करके डीजल मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के नव नियुक्त प्रधानमंत्री मोहम्मद अल्लावी ने पद से हटने की घोषणा की है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी इराक। अगला क्वेश्चन, चीन से बाहर किस देश में कोविड 19 से प्रभावित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। तो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अमेरिका ने आसियान शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है हाल ही में और कोरोना वायरस की आशंका के बीच विश्व के सबसे बड़े ऑटो शो में से एक जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो को भी रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे दक्षिण कोरिया की बात, दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है और दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्रेसिडेंट मून जे इन है और दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर सुन जे क्यून है और दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियन वॉन है, वॉन। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान मेला और कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 2022 तक। तो हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर, तो वर्तमान में हमारे किसान कल्याण मंत्री है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश को $40 मिलियन में 4 स्वदेशी निर्मित रडार हथियारों का पता लगाने में सक्षम की आपूर्ति करेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी आर्मेनिया को। अगला क्वेश्चन, जम्मू में पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन सिस्टम के जागरूकता और शिकायत निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन जितेंद्र सिंह ने किया है हाल ही में जम्मू में पेंशन अदालत खोला गया है, पेंशन राष्ट्रीय पेंशन योजना का भी शुभारंभ किया गया है। तो पीएम कार्यालय और कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारतीय विमान पतन प्राधिकरण AAI के साथ उपकरण केंद्र शुरू करने के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के धुलाई जिले के मन्नू बैंक में उपकरणों को रखने के लिए 6 केंद्रों का निर्माण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। यहाँ पे त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा तीनों बाजू तीनों साइड से बांग्लादेश के घिरा हुआ एकमात्र राज्य है भारत का और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव है। और यहाँ पे मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोराम थंगा है और मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने पेक्का लुंडमार्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO बनने की घोषणा की है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नोकिया। तो हाल ही नोकिया ने पेक्का लुंडमार्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित कार्यशाला में विस्फोटक का पता लगाने वाला डिवाइस राल्डर एक्स लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में विस्फोटक का पता लगाने वाले डिवाइस राल्डर एक्स लॉन्च किया गया हाल ही में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है, वर्तमान DRDO के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, बलबीर सिंह खुल्लर का संबंध किस खेल से जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी हॉकी है, हॉकी खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, कहाँ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों का
प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है जोधपुर में। तो इसका मुकदमा प्रबंधन और न्यायालय प्रबंधन है और जोधपुर राजस्थान, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स द्वारा ACREX इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नोएडा में किया गया है, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन, सर्च इंजन Yahoo.in ने के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी मोहित गोयन का, हाल ही में Yahoo.in के नए निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी रामनाथ सिंह ने किया है, सॉरी अमित शाह ने किया है, वर्तमान हमारे केंद्रीय गृहमंत्री है अमित शाह। अगला क्वेश्चन, संजय कुमार पांडा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है संजय कुमार पांडा को। अगला क्वेश्चन, देश भर में 1 मार्च से 7 मार्च 2020 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है 1 मार्च से 7 मार्च 2020 तक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति को समाप्त कर दिया है? तो 60 वर्ष की बजाय 58 साल कर दिया है सेवानिवृत्ति का कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी पंजाब। तो पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इसे पहले भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 5 और विभागों को मो सरकार कार्यक्रम में शामिल किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा। तो ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, तो मो सरकार कार्यक्रम ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 2020 को किसने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून को संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। तो हाल ही में निर्मला सीतारमण ने संसद में बिल पेश किया है, वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला पूर्णकालीन जैसे कि रक्षा मंत्री भी रह चुके निर्मला सीतारमण। स्वतंत्र भारत की प्रथम रक्षा मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, और प्रथम वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे शक्तिकांत दास तो शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है, 25वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करेगी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगला, किस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक को हटा दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है भारत। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन, आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 12 बिलियन डॉलर की घोषणा की है हाल ही में विश्व बैंक ने, और विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मलपास। अगला क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। तो हाल ही में अजय भूषण पांडे को नए वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को देखते हुए कितने तरह की दवा सामग्री के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 26 प्रकार की कच्ची दवा सामग्री पर बैन लगा दिया है हाल ही में केंद्र सरकार ने। सरकार ने 26 तरह की दवा सामग्री और पैरासीटामोल, विटामिन B1, विटामिन B12 सहित कुछ दवाओं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू नगर निगम में
ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस सुप्रीम महारा सुप्रसिद्ध महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी महाराजा गुलाब सिंह। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का, हाल ही में जम्मू हवाई अड्डा का नाम भी महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने 13 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी बंगाल। अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने 300 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट प्रति माह की फ्री बिजली देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 100 यूनिट प्रति माह। तो यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए काले धन को सफेद करने के मामले में कौन सा देश प्रथम पायदान पर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी चीन प्रथम पायदान पर है, मेक्सिको दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5,100 करोड़ की राशि आवंटित की है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण लैंड पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया LPAI के 8वें स्थापना दिन का आयोजन किया गया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय तो वर्तमान राज्य कक्षा के गृह मंत्रालय के मंत्री है और जी किशन रेड्डी भी राज्य कक्षा के गृह मंत्रालय के मंत्री है। और यहाँ पे अजय कुमार भल्ला वर्तमान में हमारे गृह सचिव है और अमित शाह गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा नई दिल्ली में अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप के किस भाषा के संस्करण को लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चीनी, अरबी और स्पेनिश तीनों भाषा के संस्करण को लॉन्च किया गया है हाल ही में। अगला, कौन सा देश मार्च 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है चीन। तो चीन का कैपिटल बीजिंग है और चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट जिनपिंग है और चीन की करेंसी रेनमिन्बी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खंडू है और राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा है और नागालैंड के मुख्यमंत्री पेम नेफ्यू रियो है और मणिपुर के मुख्यमंत्री NBiren Singh है और NBiren Kumar है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन शुभारंभ किया गया हाल ही में। तो 7 दिवस तक चला था यह उत्सव और यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है और यहाँ पे स्मृति ईरानी वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है और नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और ई वॉक सोसाइटी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 3 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी IIT मंडी। तो यहाँ पे ई वॉक कपूर में इनाब्लिंग विमेन ऑफ कमांड और यहाँ पे नाबार्ड का फुलबॉल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन हर्ष कुमार पानवाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्मार्टफोन कंपनी ने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ओप्पो ने हाल ही में म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है MA यूसुफ अली। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली।
दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, किसने हाल में भारत में अपना पहला भव्य विज्ञापन अभियान मोर टुगेदर शुरू किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए फेसबुक। तो इस अभियान का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को इस बात से अवगत करवाना है कि वे प्लेटफॉर्म पर अपने संपर्कों का उपयोग करके एक साथ अधिक चीज़ों प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मुंबई के बाद गूगल का दूसरा क्लाउड क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा 2021 तक? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा गूगल का दूसरा क्लाउड क्षेत्र। तो पहला क्लाउड क्षेत्र 2017 में स्थापित किया गया था मुंबई में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में कितने कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 15 कलाकारों को, यहाँ पे 15 के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है जिन्होंने दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। अगला क्वेश्चन, 4 से 5 मार्च 2020 के दौरान भारतीय सेना भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र क्लोव्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञान कॉन्क्लेव सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी सीमा वर्मा को किस देश की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका, अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है हाल ही में भारतीय अमेरिकी सीमा वर्मा को, कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख बनाया गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अगला क्वेश्चन, RBL बैंक ने किस कंपनी के ग्राहकों को मास्टर्ड कार्ड द्वारा संचालित को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सुविधा देने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी जोमाटो। अगला क्वेश्चन, मेटल इन मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी सुधाशु पांडे बने हैं। अगला क्वेश्चन, 3 से 7 जनवरी 2021 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी पुणे में किया जाएगा 108वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। तो इससे पहले 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में 68वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2020 आरंभ हो गया है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया है। तो ये 68वां संस्करण है, तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला क्वेश्चन, किस देश के बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख संघ नायक शुद्धानंद महात्रो का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो वे बांग्लादेश के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख माने जाते थे और बांग्लादेश सरकार ने 2012 में उन्हें अंकुश पदक से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने अपने 19वें स्थापना दिवस पर लाइट कमर्शियल ईयर कंडीशनरों LCAC और डीप फ्रीजर के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के महानिदेशक कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है श्री अभय बाकरे है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। और समर विंटर कैपिटल कौन सी रहेगी? तो देहरादून रहेगी और समर कैपिटल उत्तराखंड की जैसे कि गैरसैंण रहेगी। अगला क्वेश्चन, 500 करोड़ रुपये से 7000 वाहनों वाली भारत की सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नोएडा के सेक्टर 38A में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति CAC ने किस पूर्व भारतीय स्पिनर को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी सुनील जोशी को, हाल ही में BCCI के वर्तमान प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है। अगला क्वेश्चन, वसंत त्यौहार चापचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जा रहा है?
इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी मिजोरम में मनाया जाता है वसंत त्यौहार चापचार कुट त्यौहार। इसका थीम है प्रमोशन ऑफ मिजोस कल्चर एंड मोरल कोड। सिरोम के वर्तमान मुख्य जोराम थंगा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व में निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए लक्समबर्ग। तो निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है हाल ही में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी केरन पोलार्ड। तो उनके बाद दूसरे नंबर पे डिवेन ब्रावो है, उसके बाद क्रिस गेल है तीसरे नंबर पे। और जैसे कि केरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल 2020 से कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 10। तो अब 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। जैसे कि अब ये जानकारी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने COVID-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को स्थगित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी पिलर 2019 को हाल ही में स्थगित किया गया। तो भारतीय नौसेवाएं इंडियन नेवी, तो इंडियन नेवी के वर्तमान एडमिरल है करमबीर सिंह है। और इसका आदर्श वाक्य मोटो है सन्नो वरुणा। अगला क्वेश्चन, EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 8.50। तो यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और किस देश के बीच खेला गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में किया गया है छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा उद्योगों में जल आयोग क्षमता में वृद्धि पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पर्यावरण कार्यकर्ता और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग को 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है हाल ही में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी असम। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। तो ये जादव पायेंग असम से है, तो फॉरेस्ट मॉन इंडिया भी के रूप में भी जाना जाता है। ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, तो उनको 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंत चिकित्सक संघ द्वारा राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 6 मार्च को भारतीय दंत चिकित्सक संघ द्वारा राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, SEBI सेबी ने शिकायतकर्ताओं के निवारण तंत्र स्कोर्स में शिकायत दर्ज करने के लिए निदेशकों के लिए मोबाइल ऐप सेबी स्कोर, इन एप्स का नाम है सेबी स्कोर, लॉन्च किए। तो सेबी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी अजय त्यागी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है IIT मुंबई। यहाँ पे IIT दिल्ली आता है, उसके बाद IIT मुंबई आएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्किटेक्ट यवोन फेरेल और किसको पिज्जर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी सेली मैकनामरा। तो सेली मैकनामरा और यवोन फेरेल को हाल ही में विश्व के सर्वोच्च शिल्प कला के लिए सर्वोच्च पुरस्कार पिज्जर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में मंदिरों के व्यवस्थापकों FSSAI के भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए चुका है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इडप्पाणी केपलानी स्वामी। यहाँ के भोग का पूर्ण स्वरूप है ब्लिसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड, और FSSAI का फुल फॉर्म है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन, 4 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 में कितने बदलाव को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, 73 बदलाव को मंजूरी दी है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया? यहाँ पे संभाजी महाराज याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, औरंगाबाद के हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक नकदी संकट का सामना कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए, यस बैंक। अगला क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, पीवी सिंधु को चुना गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में की गई एक शोध के मुताबिक कौन से पौधे से जुड़े इंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, चाय के पौधे। अगला क्वेश्चन, नासा द्वारा जुलाई 2020 में अवधारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, परसवरेंस रखा गया है। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने में खगोलविदों ने कितने नए ग्रहों की खोज की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, 17। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में खगोलविदों ने 17 नए ग्रहों की खोज की है, केपलर जो सेवानिवृत्त एक दूरबीन है नासा का। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमन ऑफ ईयर सूची में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, टाइम्स। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAY और NULM, DAY का फुल फॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना और NULM का फुल फॉर्म नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ने भारत में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के ई मार्केट के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, अमेजन। तो अमेजन के फाउंडर एंड वर्तमान CEO है जेफ बेजोस, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन, भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने WBF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है दोनों ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के निवारी जिले में नमस्ते ओरछा महोत्सव आरंभ हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ है। अगला क्वेश्चन, जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र द्वारा असंगठित श्रमिकों के कौशल विकास पर एक कार्यशाला व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर कुलगाम, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में किया गया है। अगला, खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीडर U21 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, दिल्ली में किया जाए। वर्तमान में हमारे खेल मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, फिलीपींस में किया जाएगा। पहले चीन के वुहान में किया जाएगा, वह कोरोना वायरस की वजह से इसको फिलीपींस में अब आयोजन किया, फिलीपींस के मनीला में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन भारत की साख बनाना विषय पर चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, कोची में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी ने किया है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन, किसके पूर्व महासचिव जेवियर पेरेस डी क्यूएलर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है?
किस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र में किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है, सॉरी पेरिस पेरिस डी क्यूलर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला, एन एस विश्वनाथन ने किसके डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। तो डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है खराब स्वास्थ्य की वजह से। अगला क्वेश्चन, किस शहर के ARCI ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स PEMFC नामक एक ईंधन सेल तकनीक की खोज की है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। अगला क्वेश्चन, 8 मार्च 2020 को वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी चौथा, वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2020 का चौथा संस्करण का आयोजन किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने आहार भोजन और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है। तो ये 35वां से कौन सा संस्करण याद रखें, 35वां है। तो यहाँ पे ITPO का ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने आहार भोजन और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC महिला T20 रैंकिंग 2020 में कौन सी खिलाड़ी प्रथम पायदान पर रही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी शेफाली वर्मा प्रथम पायदान पर रही है, दूसरे स्थान पर सूजी बैट्स है और तीसरे स्थान पर बेथ मुनी है। तो उन तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच का पुनर्गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी अमित शाह, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बिमल जुल्का को हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 2020 और 7 मार्च 2020 के बीच नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी कोलकाता में किया गया है। तो वर्तमान में हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों, और कोलकाता पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 8वें स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा द फ्यूचर ऑफ वर्क वीमेन इन इंडियाज वर्कफोर्स सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ऑप्शन बी नई दिल्ली में किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के केंद्रीय मंत्री है स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, और विश्व बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मलपास है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए डाइट चार्ट तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICM द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण की परियोजना के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ट्रस्ट का गठन किया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में 7 मार्च को स्मृति दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत, तो हाल ही में रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे उनका भी जन्म, उनके भी स्मृति दिवस गया है। अगला क्वेश्चन, आयुष अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी श्री श्रीपद येसो नायक, तो श्री श्रीपद येसो नायक आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के अध्ययन के अनुसार 2020 में वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत महिलाएं वानिकी कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी 38.7% महिलाएं वानिकी
कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है और भारत में महिला श्रम भागीदारी 2006 में 34% से घटकर 2020 में 24.8% रह गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में पारित किए गए किस बिल के द्वारा कोयला सेक्टर को वाणिज्यिक खनन के लिए खोल दिया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 6 मार्च 2020 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF द्वारा जम्मू हवाई अड्डे की सुरक्षा को संभाल लिया गया है, तो CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी राजेश रंजन, CISF के वर्तमान महानिदेशक है। CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के गोंजडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देब है। अगला क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा निश्चित की है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है यस बैंक। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 2020 दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन करने वाले देशों की के समूह ओपेक ने उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय स्थित है और ओपेक की स्थापना बगदाद इराक में की गई थी और ओपेक के वर्तमान ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और इसके वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद पारकिंडो। अगला क्वेश्चन, 1 से 10 मार्च तक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय ईच फॉर इक्वल अभियान का संचालन कर रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रेलवे मंत्रालय, तो हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री वर्तमान में पीयूष गोयल है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका स्थित लोकतंत्र वॉच डॉग फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 83वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला क्वेश्चन, किसने यस बैंक में निवेश करने और पुनर्निर्माण योजना में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी SBI बैंक ने। यहाँ पे SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का के वर्तमान चेयरमैन है रजनीश कुमार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है और 1 से 7 मार्च का जन औषधि सप्ताह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 50 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। यहाँ पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की खोला चिली को GI टैग प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी गोवा, तो गोवा की खोला चिली को GI टैग प्रदान किया गया है और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और यहाँ पे केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन है, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, भाजपा की सरकार है गुजरात के। चलते हैं अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी माधुरी कानितकर भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है और भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पुनीता अरोड़ा और दूसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पद्मावती बंदोपाध्याय और भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है माधुरी कानितकर। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। अगला क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है इसराइल, इसराइल का कैपिटल जेरूसलम है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस मनाया गया है। तो इसका थीम क्या है, तो एक समान दुनिया और एक सक्षम दुनिया इसका थीम है। और इसका इंग्लिश में एन इक्वल वर्ल्ड इज अ इनेबल्ड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी रोहित शर्मा को हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2019 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बाईचुंग भूटिया को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने जीता है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब। तो इसमें बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है और एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड और किसने तेलंगाना के रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू की है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है पेटीएम। अगला क्वेश्चन, डेनिस सिंगल किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हाल ही में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी यूक्रेन। तो डेनिस सिंगल हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है और आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरिन जेकॉब्स डॉटिन है और यूक्रेन के प्रधानमंत्री बने हैं डेनिस सिंगल और जर्मनी के वर्तमान प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है। विश्व की सब मोस्ट पावरफुल वुमन है 2018 की वुमन में। अगला, बिम्सटेक में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र का नेतृत्व कौन सा देश करेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के वर्तमान प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे, वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोटे है और श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी जयपुर। तो हाल ही में जयपुर शहर को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को हाल ही में पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक देश किसे चुना गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी भारत को चुना गया हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक देश। अगला क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी गुलमर्ग में किया गया है पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन। अगला क्वेश्चन, हंसराज भारद्वाज किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अगला क्वेश्चन, पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य प्रथम पायदान पर है। अगला क्वेश्चन, जनेश जानजा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है जनेश जानजा को हाल ही में। अगला क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम पायदान पर रही है। इस क्वेश्चन का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने AI संचालित ड्रोन विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए जीवन पाठ्यक्रम विकसित किया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के चेयरमैन कौन है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए धर्मेंद्र पाल सिंह DP सिंह है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी मिस्र की यात्रा पर जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई। तो अरुणाचल प्रदेश मणिपुर असम जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट
प्रोटेक्टेड एरिया परमिट जारी करना बंद कर दिया है कोरोना वायरस के वजह से। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खंडू है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के TIFSC के ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान ज्योति योजना शुरू की है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन है। और यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद शर्मा ओली है। और नेपाल के वर्तमान इंडोनेशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। और म्यांमार के वर्तमान प्रेसिडेंट विन मिंट है। अगला क्वेश्चन, किस देश के कच्चा तीवू द्वीप में सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव आरंभ हुआ है हाल ही में? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, सेतु भारतम योजना के तहत केंद्र सरकार देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद क्रॉसिंग को ओवर व भूमिगत पुलों में बदलने की योजना पर काम कर रही है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? मैंने पहले ही आपको बताया। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी नितिन गडकरी है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस राज्य की नलबांडी जिले की स्थानीय महिलाओं के लिए स्ट्रॉन्गर सोसाइटी के विषय पर थीम पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी असम। तो असम राज्य में है, नलबाड़ी में जिले में स्थानीय महिलाओं के लिए स्ट्रॉन्गर सोसाइटी थीम पर, इसका थीम याद रखें स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी थीम है। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया है हाल ही में भारतीय सेना के। और भारतीय सेना के वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो 28वीं सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। अगला क्वेश्चन, जिनेवा स्थित संगठन NGO एडविशेयर द्वारा जारी की गई विश्व के शीर्ष 500 NGO की सूची में किस देश का NGO BRSE ब्रेक शीर्ष स्थान पर है, प्रथम पायदान पर है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है बांग्लादेश। यहाँ पे BRSE का फुल फॉर्म बांग्लादेश रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस कमेटी। तो इसकी स्थापना 1972 में सर फजल हसन अबेड द्वारा छोटे पैमाने पर युद्ध शरणार्थियों की सुविधा के लिए राहत और पुनर्वास विकास परियोजना के लिए की गई थी। और बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पूमा ने। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान ने COVID-19 से रोकथाम और जरूरी प्रबंध पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन उद्घाटन कहाँ किया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया है। और वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हर्षवर्धन है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल DreamKBC GK चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।